हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज यहाँ पे मैं मोदक जो होता है वो मैं बनाने जा रही हूँ। गणेश भगवान को बहुत ही प्रिय है वो मोदक। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आटा गूंदना बहुत ज़रूरी है, और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने सबसे पहले पानी चढ़ाया। पानी बॉयल होने तक यहाँ पर मैंने रखा है उसको, और यहाँ पर मैंने 4 कप पानी यूज़ किया है। लगभग मैंने ये वाले कप से 4 कप पानी डाला है, और इसे 2 कप मैं आटा यूज़ करूँगी चावल का। और यहाँ पे मैंने घी 1 टेबल स्पून ये पानी में घी डाला है, तो थोड़ा सा ये पानी नॉर्मल हो जाए तो इसमें मैं आटा डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो बॉइल वाला वाटर था उसके अंदर यहाँ पे मैंने 2 कप लगभग आटा डाल दिया, और इसको अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे मिला दिया था। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए आपको ऐसे ही चलाना है ताकि वो पानी जो है पूरा सोख कर ले अच्छी तरीके से। तो उतने देर तक मैंने इसको चलाया, और फिर लगभग मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसको रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया था ताकि वो पानी पूरा ही ऑब्ज़र्व कर ले, और फिर हम इसको अच्छी तरीके से आटा गूँध सकते हैं। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गया है, तो अब इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ ताकि इसका आटा अच्छी तरीके से गूंथ लूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने आटे को दूसरे बाउल में, बड़ी वाली बाउल ले ली थी, कांच वाली जो होती है ना, वो वाले मैंने बाउल ले लिया था, और उसमें मैंने जो आटा थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखा था वो आटे को मैंने इसमें डाल दिया। और इसको मैशर की सहायता से ना, मतलब मैशर का यूज़ किया है मैंने, जैसे पाव भाजी वाला मैशर होता है उस मैशर से मैंने इसको अच्छी तरीके से मिला लिया ताकि इसमें थोड़ा भी लम्स वगैरह कुछ भी ना रहे, और जब भी मैं ठंडा होने के बाद ना इसको आटा गूंथूँ ना तो वो आसानी से ऐसे प्रॉपर में, मतलब आटा गूंथ जाए। तो वैसे ही किया मैंने, हाथ पे थोड़ा सा घी लेके ना मैंने अच्छी तरीके से इसका आटा गूंथ लिया था। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत मतलब इजी है बनाना। बस ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, इसमें टाइम जाता है, ऐसा नहीं है कि टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, टाइम तो लगता है बट थोड़ा मैनेज करना होगा हर चीज़, बट हो जाता है। इसके बाद फिर मैंने मसाला का प्रिपरेशन किया जो हम लोग फिलिंग भरने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने ये चढ़ा दिया। इसमें मैंने घी डाला सबसे पहले, और घी के बाद यहाँ पे मैंने नारियल का यूज़ किया है, फ्रेश कोकोनट जो होता है ना वो कोकोनट क्रश हुआ किया हुआ, वो मैंने घी में अच्छी तरीके से इसको भून लिया पहले। और जैसे ही ये मेरा कंप्लीट हो जाता है भून के, मतलब हो जाता है मेरा कोकोनट अच्छी तरीके से भून के हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मैंने ना जैगरी रखा है। तो जैगरी ऐसे बहुत बड़े बड़े बाउल थे ना, मतलब बहुत ही बड़े बड़े पत्थर जैसे थे ऐसे, तो फिर इसको फोड़ना पड़ा था, तो उतना फोड़ के रखा था मैंने। एक बाउल मुझे चाहिए था तो एक बाउल मैंने यहाँ पर फोड़ के रखा, और इसको भी तब तक ही मतलब इसमें मिलाना है कोकोनट में जब तक कि ये इसके अंदर पूरा मेल्ट ना हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए थे जैसे काजू बादाम और इलायची लिया था, तो इसको भी मैंने क्रश करके रख लिया। देखिए वहाँ पे हो गया है मेरा, अब इसमें मैं थोड़ा मतलब रेडी हो गया है मसाला कोकोनट और जैगरी का, और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिया। और इसमें लास्ट मोमेंट पे भी आप इलायची पाउडर यूज़ करते हो ना, बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें डालने के बाद भी इसमें ना क्या हुआ था कि थोड़ा बादाम जो है ना, मुझे कोई कोई बड़े बड़े पीसेस मिल गए थे, तो मैंने उसको निकाल के मतलब निकाल के रख दिया ताकि ना वो मुँह में ऐसे आएगा ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा।
सो इसीलिए मैंने उसको निकाल के फेंक दिया। और उसके बाद इलायची को भी मैंने ऐसे ही डाला था, तो इलायची के भी लास्ट के स्किन जो होते हैं वो मिल रहे थे मुझे, मतलब मैंने ज़्यादा इलायची नहीं डाला था तो थोड़ा ही इलायची डाला था तो वो मिल रहे थे, वो भी निकाल के। और फिर मैंने ऊपर से यहाँ पर इलायची वाला पाउडर डाला ताकि और भी अच्छा फ्लेवर आ जाए ना, इसीलिए। तो इसको मैंने लगभग 5-6 मिनट के लिए फिर से चला लिया था अच्छी तरीके से, ताकि इसमें थोड़ा सा भी अगर मुझे जैगरी दिखता है ना तो वो अच्छी बिल्कुल ही इसमें मतलब मेल्ट हो जाए। और जब आप ये मसाला खाओगे ना, मसाला मतलब कि अंदर का फीलिंग जो होता है ना मोदक के, तो वो फीलिंग खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। सो सच में बहुत अच्छा बना था, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये मोदक हमेशा से ही, चाहे कोई भी बना के लाए। तो मुझे तो हाथ से जमता नहीं है, मुझे एक्चुअली ना चाहिए था ना, एक्चुअली गड़बड़ हो गया आप, तो मुझे चाहिए था ना जो सांचा होता है मोदक का वो चाहिए था, क्योंकि हाथ से बनाते बनाते बहुत टाइम लग जाता है। फिर भी नहीं मिला, मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा यहाँ पे और मिलना तो मुश्किल ही है, इंडियन स्टोर गए सब जगह देखा तो नहीं मिला। तो फिर बोले चलो हाथ है अपना, हाथ काफ़ी है, तो फिर हाथ से ही ट्राई किया। वो वीडियो मेरा एक्चुअली स्किप हो गया इस चक्कर में। सो उसके बाद मैंने मोदक हाथ से ही ट्राई करते करते काफ़ी टाइम लग गया बट बना लिया मैंने, बट बहुत अच्छा बना था। और फिर उसके बाद गणेश जी को भोग भी लगाया था। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, मैं नहीं बोलूँगी कि टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, टाइम ज़रूर लगता है, बट फाइनली बहुत अच्छा लगता है। और गणपति जी को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा। अगर आपके पास साँचा हो तो वो तो जल्दी से ही बन जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।